हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी। जो है मिनिमम ऑफ ए बी है, उसके लिए हमको क्या तैयार करना है, एक ऑपरेशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो इस टेबल को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये ओरिजिनल में इसको कंपोजिशन टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5 है, और आपको जो ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ इस तरह से कि मिनिमम ऑफ ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इसको थोड़ा देर के लिए आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। आप मान के चलिए कि ये जो लाइन है ये आपका वाई एक्सिस है, और ये जो है आप जो रो में दिखाई दे रहा है वो मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 को दोनों एक्सिस में आपको लिख देना है, ठीक है, एक बॉक्स को छोड़कर। यहाँ पर आप ऑपरेशन को लिखिएगा कि ऑपरेशन क्या डिफाइन, क्या मिनिमम है, मैक्सिमम है, या एलसीएम है, या एचसीएफ है, जिस केस में रहेगा उस ऑपरेशन को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन अभी फिलहाल मिनिमम है तो उसको लिख लेते हैं, और अंदर में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट को इधर आपको लिखना है, 1 2 3 4 और 5, सेम प्रोसेस इधर भी 1 2 3 4 और 5 को लिख देना है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि जो आपका कॉलम में लिखा हुआ है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा, जिसको सिंपली हम लोग ए या एच से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका रो में लिखा हुआ है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा, जिसको सिंपली हम लोग बी या फिर वाई बोल सकते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखते हैं ना ए कॉमा बी, या फिर इस तरह से भी लिखते हैं कि एक्स कॉमा वाई। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका कॉलम का होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो कहां का होगा, रो का होगा, ठीक है। अब हमको डिफाइन किया हुआ है कि ए ऑपरेशन बी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑफ ए बी। तो इसको तैयार करने का तरीका क्या है, ए यहां पर ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है और यहां पर है बी, ठीक है। अब बताइए कि 1 और 1 में से मिनिमम क्या होगा, आप इस तरह से लिखिएगा, ये ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ क्या लिखिएगा, मिनिमम ऑफ 1, 1। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। सेम प्रोसेस इस तरह से कीजिएगा, 1 ऑपरेशन 2, मतलब ए ऑपरेशन बी कीजिएगा, तो यहां पर लिखिएगा मिनिमम ऑफ 1, 2। इसमें से दोनों में से मिनिमम कौन होगा, 1 होगा, तो सेम प्रोसेस 1। अब यहां पर भी 1 और 3 में से मिनिमम कौन होगा, 1। फिर 1 और 4 में से मिनिमम कौन होगा, 1। 1, 5 में से मिनिमम कौन होगा, 1, ठीक है। सेम प्रोसेस आप सेकेंड रो के लिए भी कीजिएगा, ठीक है। जैसे 2 और 1 में मिनिमम 2, 2 और 2 में मिनिमम 2, 2 और 3 में मिनिमम कौन होगा, 2, 2 और 4 में मिनिमम कौन होगा, 2, 2 और 5 में मिनिमम कौन होगा, 2। सेम प्रोसेस 3 और 1 में मिनिमम 1, 3, 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3, 4 में क्या होगा, 3, 3, 5 में भी क्या होगा, 3, ठीक है। फिर 4, 1 में 1, 4, 2 में 2, 4, 3 में क्या होगा, 3, 4, 4 में 4, और 4 और 5 में क्या होगा आपका सिंपली 4। फिर 5, 1 में 1, 5, 2 में 2, 5, 3 में क्या होगा, 3, 5, 4 में क्या होगा, 4, और 5 और 5 में मिनिमम क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका कंपोजिशन टेबल, जिसको हम सिंपली बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं, सिंपली याद रखिएगा जो कॉलम में होता है वो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है, जो रो में लिखा हुआ था वो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्नर में याद रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन को लिखा जाता है, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एलसीएम, एचसीएफ, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम है, अब इसी मिनिमम के केस में अगर हमको रह जाता क्वेश्चन में चलो मैक्स डिफाइंड करो, उसके लिए कुछ इस टाइप का ऑपरेशन डिफाइंड है, इसे ऊपर से उल्टा कर दिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, 1 और 1 में से जो मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर करना है, तो 1 होगा, 1 और 2 में मैक्सिमम कौन होगा, 2 होगा, उसको लिखना है। मतलब अभी हम मिनिमम को लिखें, जब मैक्स रहेगा तो जो बड़ा वाला टर्म होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। एक हमको मल्टीप्लीकेशन टेबल दिया हुआ है, जिसको हम बाइनरी टेबल भी बोल सकते हैं या कंपोजिशन टेबल। तो पहला फाइंड करना है, कंप्यूट 2*3*4 एंड 2*3*4, ठीक है। और दूसरा चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है, और दूसरा बोलता है कंप्यूट, तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूट 2*3*4*5। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन पे दिया हुआ टेबल बना हुआ है, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी हो सकता है। खैर यहाँ पर डिफाइन क्या होगा, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इस तरह से एक टेबल बनाया हो कि वन बाइनरी ऑपरेशन वन करें तो रिजल्ट वन आ गया, वन बाइनरी ऑपरेशन टू करें तो रिजल्ट वन आएगा, वन ऑपरेशन थ्री तो इस केस में वन आएगा, वन ऑपरेशन फोर केस में क्या आएगा, वन आएगा। ये टेबल क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए पहला है कंप्यूट टू स्टार थ्री, मतलब टू बाइनरी ऑपरेशन थ्री, पहला का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जब दो ऑपरेशन तीन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आपको करना क्या है कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो क्या होता है, कॉलम में होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कहां होता है, रो में होता है। तो टू बाइनरी ऑपरेशन थ्री देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम में जाना पड़ेगा टू, और बाइनरी ऑपरेशन थ्री उस केस में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, देखिए उस केस में रिजल्ट कितना आता है, वन, ठीक है। तो आपका टू बाइनरी ऑपरेशन थ्री, पहले नोट कर लेते हैं इसको, टू ऑपरेशन थ्री स्टार फोर, उस केस में क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं कि टू बाइनरी ऑपरेशन थ्री करने से उसका रिजल्ट कितना आ रहा, वन, और फिर उसका ऑपरेशन किसके साथ होगा, फोर के साथ। तो देखिए वन बाइनरी ऑपरेशन फोर, उस केस में भी रिजल्ट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसका हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए टू को रहने दीजिए, उसको कुछ नहीं करना, स्टार आपको किसका निकालना है, थ्री स्टार फोर, मतलब थ्री बाइनरी ऑपरेशन फोर, तो सेम प्रोसेस कीजिएगा, थ्री बाइनरी ऑपरेशन फोर, उस केस में आंसर क्या आएगा, फिर से रिजल्ट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो यहां पर टू ऑपरेशन, यहां पर क्या होगा, वन, अब टू ऑपरेशन वन, टू ऑपरेशन वन, उस केस में भी आंसर क्या आ रहा है, वन, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, वन। तो ये था फर्स्ट नंबर का आंसर, दोनों केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, वन वन आ रहा है, ठीक है। अब अगला चेक करना है कि इस स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं, तो कॉम्यूटेटिव का जो डिफिनेशन था पहले आप उसको लिख लीजिए, कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या था कि ए स्टार बी जो होना चाहिए वो बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन था। तो आप कुछ नहीं कीजिए, कोई भी यहां पर इस टेबल से कोई भी दो ऑर्डर पेयर आप ले लीजिए, ठीक है, ज्यादा दिखाने के लिए, मतलब अच्छे से समझने के लिए दो बोले, आप एक भी लीजिएगा चल जाएगा, ठीक है। तो एक हम अपने से ले लेते हैं, चलिए एक ले लेते हैं टू स्टार थ्री, और दूसरा एक हम ले लेते हैं फाइव स्टार फोर, हम दो को दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर टू स्टार थ्री थ्री स्टार टू के इक्वल हो गया तो भी कम्यूटेटिव हो जाएगा, अगर फाइव स्टार फोर जो है फोर स्टार फाइव के इक्वल हो गया तो भी क्या हो जाएगा, उसके इसमें कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं टू स्टार थ्री क्या होगा, तो टू स्टार थ्री देखिए कितना होगा, टू स्टार थ्री, उसके इसमें आंसर कितना आ रहा है, वन। तो आप देखिए कि टू बाइनरी ऑपरेशन थ्री इक्वल टू क्या है, वन आ रहा है, ठीक है। आप यहां पर कंसीडर कर लीजिएगा, लेट ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू कितना ले रहे हैं, थ्री, देन ए स्टार बी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, वन। सेम प्रोसेस अगेन आप क्या कीजिएगा, थ्री स्टार टू को निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, थ्री स्टार टू, उसके इसमें भी आंसर कितना आ रहा है, वन। तो आप देख सकते हैं कि ए स्टार बी जो है किसके बराबर है, बी स्टार ए के बराबर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस आप फाइव स्टार फोर को दिखाना चाहते हैं तो उसको भी दिखा लीजिए, तो अगर मान लेते हैं यहां पर करेंगे तो क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस, लेट ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, फोर, देन मेरे पास फाइव स्टार फोर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिए फाइव स्टार फोर, उसके इसमें आंसर कितना आ रहा है, वन। उसी तरह का उसी प्रकार सेम प्रोसेस आप कीजिएगा फोर स्टार फाइव, इसका आंसर क्या आएगा, तो फोर स्टार फाइव, फिर से रिजल्ट क्या है, वन आ रहा, मतलब आप फिर से देख सकते हैं कि ए स्टार बी और बी स्टार ए के इक्वल है, इस केस में ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि तीसरा नंबर क्या बोलता है हमको, तीसरा नंबर में हमको दिया हुआ कंप्यूट टू स्टार थ्री फिर स्टार फोर स्टार फाइव। तो सबसे पहले आप निकालिए टू स्टार थ्री का वैल्यू क्या आएगा, तो टू स्टार थ्री का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो आप इसी को लिख लीजिए, इसका वैल्यू कितना हो गया, वन, फिर सेम प्रोसेस स्टार, अब फोर स्टार फाइव, फोर स्टार फाइव, उसका आंसर कितना आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अब वन स्टार वन, तो देखिए वन स्टार वन रिजल्ट कितना आ रहा है, फिर से वन आ रहा है, इस केस में भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए नेक्स्ट बात करते, चलिए ये क्वेश्चन नंबर फाइव है, यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट वन टू थ्री फोर फाइव डिफाइंड बाय ए स्टार डैश, जो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश जो डिफाइन किया हुआ है वो क्या बोलता है कि एचसीएफ है किसका, ए और बी का, ठीक है। हमको क्या बताना है कि इज द ऑपरेशन स्टार डैश इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज फोर अबव, मतलब यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ स्टार डैश वो क्वेश्चन नंबर फोर के क्या है, सेम है, ये चीज हमको बताना है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि जस्टिफाई और आंसर, अगर वो सेम है तो कैसे है, क्यों है, इसको हमको जस्टिफाई भी करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव एक सेट है जिसके अंदर पांच एलिमेंट गिवन है,
इसका पहले आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो टेबल था वो क्वेश्चन नंबर 5 का टेबल के सेम है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, इस टाइप का बना लीजिएगा आप भी। यहां पर आपको याद है कि जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है उसी का टेबल यहां पर वही ऑपरेशन को लिखते हैं। तो यहां पर जो ऑपरेशन डिफाइंड किया वो क्या है, स्टार डैश है, ठीक है। और इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 और नेक्स्ट क्या है 5, ठीक है। सेम प्रोसेस इधर भी, 1, 2, 3 यहां हो जाएगा 4 और नेक्स्ट क्या है 5, ठीक है। आप इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा, यहां पर डिफाइन किया हुआ कि स्टार डैश का मतलब यहां पर क्या है, HCF है A और B का। तो यहां पर 1 और 1 का अगर HCF निकालिएगा, HCF ऑफ A एंड B, मतलब 1 और 1 का HCF निकालिएगा तो क्या आएगा 1। सेम प्रोसेस 1 और 2 का HCF निकालिएगा तो भी क्या आएगा 1। 1, 3 का HCF 1, 1, 4 का HCF 1, 1, 5 का भी HCF कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अगर आपके पास HCF के जगह पे अगर LCM होता तो इस केस में याद रखिएगा, अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो, अगर एलसीएम निकालो उस केस में सीधा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में क्या क्या रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाला जाता है, मतलब 1 और 2 में जैसे एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकालने के बाद अगर उसको कंबाइन कीजिएगा, एक साथ लिखिएगा, तो देखिएगा दोनों में से कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट हर एक केस में क्या आएगा 1 ही आएगा। सेम प्रोसेस 2 और 1 का एलसीएम 1, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 1 होगा। देखिए जब 2 का HCF निकालेगा, मतलब 2 का फैक्टर निकालेगा तो सिंपली क्या आएगा 1 into 2, और 3 का फैक्टर निकालेगा तो क्या आएगा 1 into 3, तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 1 आएगा। इस केस में हम लिखेंगे कि 2 और 3 का HCF जो होगा क्या होगा 1 होगा। हाँ अगर LCM होता तो उस केस में 6 होता, ठीक है। उसी तरह से 2 और 4 का अगर HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। देखिए सेम प्रोसेस 2 का 1 into 2, लेकिन 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 into 2 into 2 लिख सकते हैं, तो कॉमन क्या क्या आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइनली रिजल्ट कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 और 5 का एलसीएम फिर से क्या आएगा 1 आएगा, फिर 3-1 का 1, 3-2 का भी कितना आएगा 1, 3-3 का कितना आएगा, हां 3-3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। क्यों आएगा इसको बताने की जरूरत नहीं, खुद से कर लीजिएगा। 3 और 4 का एलसीएम 1, 3-5 का एलसीएम कितना आएगा 1। सेम प्रोसेस 4-1 का 1, 4-2 का कितना आएगा 2, 4-3 का कितना आएगा नेक्स्ट 1, 4-4 का कितना आएगा सिंपली मेरा क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। 4-5 का कितना आएगा 1, 5-1 का 1, 5-2 का भी 1, 5-3 का भी 1, 5-4 का भी 1, 5-5 का कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये टेबल तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है ना, अब इस टेबल का यूज कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो टेबल था और ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो टेबल तैयार हुआ, क्या ये दोनों टेबल सेम है। आप मिलाकर देख लीजिए तो आप देखिएगा कि इस टेबल को और उस टेबल को मिलाने से आपका जो भी यहां पर रिजल्ट आया है बिल्कुल सेम आया होगा, ठीक है, एग्जैक्ट सेम ही आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व हम करेंगे, मतलब यहां तो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले बोलता है इज द ऑपरेशन स्टार डैश इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार, तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा या लिखिएगा, वी ऑब्जर्व दैट ध्यान से देखिएगा, वी ऑब्जर्व दैट स्टार मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का एंड स्टार डैश इज सेम। आप इससे पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी टेबल यही आया, क्वेश्चन नंबर 5 का भी टेबल क्या आया सेम आया। तो लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट, यहां पर ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द ऑपरेशन स्टार एंड स्टार डैश इज सेम। ठीक, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो 4 में क्वेश्चन दिया हुआ था जो 5 में दिया हुआ दोनों मेरा क्या है सेम है, मतलब स्टार और स्टार डैश दोनों मेरा ऑपरेशन क्या है सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 6, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। फाइंड करना पहला 5*7, 20*16, दूसरा क्या है कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव, चौथा आइडेंटिटी और पांचवा इनवर्स, ये चीज को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए 1 by 1 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया होगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया होगा कि ए स्टार बी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट निकालते हैं 5*7 का आंसर क्या है, तो 5*7 का मतलब क्या होगा कि एलसीएम ऑफ 5 and 7, ठीक है, ये चीज डिफाइन किया होगा। ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो 5*7 क्या होगा एलसीएम ऑफ 5 and 7, और 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35
ठीक है। नेक्स्ट बात करता है 20*16 का, 20*16 का क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ, यहां लिखेगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, तो 20 और 16 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहां पर 20 का सिंपली फैक्टर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2551, फिर नेक्स्ट 16 का निकालिएगा तो कितना आएगा 28, फिर 2 से जाएगा तो 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 और लास्ट 2 से जाएगा कितना जाएगा 1, तो आप 20 का फैक्टर निकाले तो लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 1 और 16 का फैक्टर निकाले तो 2 × 2 × 2 × 2 × 1, ठीक है, 2 × 2 = 8, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट को पहले लिखिए, कॉमन एलिमेंट 2, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट जो रेस्ट है सबको लिख दीजिए 5, फिर 2 × 2 × 1, सबको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 40, 40 × 2 कितना हो जाएगा 80, मतलब फाइनली 20 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है A*is commutative, मतलब एलसीएम के केस में बोलता है कि A*B का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या वो B*A के इक्वल आएगा, तो देखिए मान लिया जाए सेट आपको गिवन है कि जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर बोला स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन का मतलब क्या है नेचुरल नंबर, तो कुछ नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई भी नेचुरल नंबर, तो मान लेते हैं कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर क्या है 3, तो दूसरा कंडीशन के लिए हम बात करें दूसरा नंबर के लिए, तो दो नंबर ले लेते हैं A=2 and B=, हम कितना ले लेते हैं 3, तो हमको क्या दिखाना है कि A*B जो होना चाहिए वो B*A के बराबर होना चाहिए, मतलब 2*3 किसके बराबर होगा 3*2 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं देन 2*3 क्या होगा, 2*3 का मतलब एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालिए कितना आएगा 6, ठीक है, सेम प्रोसेस एंड 2*3 निकालिए तो 3*2 का वैल्यू क्या आएगा, यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, तो 3 और 2 का एलसीएम फिर से क्या आएगा 6 आएगा, तो आप देखिएगा कि 2*3 किसके इक्वल है 3*2 के, मतलब A*B जो हो गया B*A के इक्वल हो गया, इस केस में ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी दो एलिमेंट्स को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए दोनों क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव का कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव के लिए आपके पास 3 नंबर होना चाहिए, ठीक है, A*B*C जो होना चाहिए A*B*C के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 1 by 1 हम 3 नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लेट A=, ले लेते 1, B=2 एंड C=, ले लेते 3, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, याद रखिए सिर्फ नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। देन आपका कंडीशन क्या है पुट कर दिए उसमें बैठिए, 1*2*3 क्या होगा, तो देखिए पहले 1*2 का मतलब क्या, डायरेक्ट लिख रहे एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2 आता है, ठीक है, फिर *3, अब नेक्स्ट कीजिएगा 2*3 का मतलब क्या, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इसका क्या है आंसर 6 आएगा, ठीक है, सेम प्रोसेस एंड अब नेक्स्ट क्या करता है ये LHS निकल गया, अब RHS का बात करें तो 1*2*3, तो आप क्या कीजिएगा 1*1 को रखने 2*3 मतलब 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, और नेक्स्ट 1*6 मतलब 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो A*B*C जो है A*B*C के क्या है इक्वल है, मतलब ये कंडीशन एसोसिएटिव भी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी का जो कंडीशन है उसको पहले हम भी लिख लेते हैं, आइडेंटिटी का कंडीशन क्या है कि A*E = A आना चाहिए या फिर E*A भी क्या आना चाहिए A ही आना चाहिए, मतलब A को बाय इफेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो इस केस में हमको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा, तो देखिए कहता क्या, अगर मान लेते हैं हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं 1 और 2, तो अगर हम एलसीएम निकालना चाहेंगे एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, तो इस केस में आंसर क्या आएगा 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, नहीं उसी तरह सेम प्रोसेस 1 और 3 का एलसीएम निकाले तो भी 3, 1 और 4 का एलसीएम निकाले तो भी 4, 1 और 5 का एलसीएम निकाले तो भी 4, मतलब हर एक केस में आप देख रहे हैं 1 का एलसीएम आप किसी के साथ भी निकाले, मतलब ए ऐसा नंबर है, ए जो है वो मेरा क्या होगा चेंज होता जा रहा है, ए मेरा नेचुरल नंबर है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो ई तो मेरा कांस्टेंट है, इसकी जगह हम 1 रखे हैं, अब सिर्फ 2 को चेंज करते हैं 2*1 2 2*3 sorry 2*1 2 3*1 3 4*1 4 5*1 5 6*1 6,
मतलब इस आइडेंटिटी मतलब इस वन की वजह से ए में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो मेरा क्या होगा, वन होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो आप इनवर्स के लिए देखिए, इनवर्स का कंडीशन को भी फाइनल लिख लेते हैं। ये था आइडेंटिटी का कंडीशन। इनवर्स का कंडीशन क्या है, इनवर्स का कंडीशन बोलता है कि ए स्टार बी इक्वल टू आना चाहिए क्या, आइडेंटिटी, या फिर बी स्टार ए किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर। मतलब ए और बी आप कोई भी नंबर लीजिए, आंसर मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन है, ठीक है। अब यहां पर देखना क्या है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, मान लेते हैं हम लेते हैं टू और थ्री, तो टू और थ्री का एलसीएम मेरा क्या होना चाहिए, वन, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि टू और थ्री का एलसीएम कितना आता है, सिक्स आता है। अब ऐसा हम बहुत सारा नंबर देखे, फोर सिक्स फाइव टू, कुछ भी नंबर हम कोई भी पेयर बना रहे हैं, तो वन तो हर एक केस में नहीं आ रहा है। लेकिन एक पेयर ऐसा है कि जब देखिए कि ए का भी वैल्यू भी वन ले रहे हैं और बी का भी वैल्यू वन ले रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ वन एंड वन निकाल रहे, इस केस में आंसर मेरा क्या है, वन आ रहा है, ठीक है। मतलब ए स्टार बी, मतलब ए की जगह वन भी वन है, बी की जगह भी क्या है, वन है, उस केस में उसका एलसीएम क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो हम क्या देखें कि कोई भी एलिमेंट को ले रहे हैं तो इनवर्स तो हमको फाइंड नहीं हो रहा, लेकिन वन और वन ले रहे हैं तो इस केस में हमको क्या आंसर मिला, वन मिला। उसी तरह से और कोई अदर पेयर बना रहे हैं, किसी में वन नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, लेकिन वन के पेयर में ही सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। इस केस में जो इन्वर्टिबल होगा वो सिर्फ क्या होगा, वन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेवन है हम लोग के पास, गिवन है इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर। कहने का मतलब क्या है, एक सेट है जिसके अंदर हमको पांच एलिमेंट गिवन है, ठीक है, ये पांच एलिमेंट गिवन है और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बोलता है कि ये जो सेट है वो मेरा बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो क्यों होगा वो दिखाना है, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसी को हमको क्या करना, जस्टिफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम एक बाइनरी टेबल बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। बाइनरी टेबल आप बना लीजिएगा, यहाँ स्टार है, स्टार यहाँ, इस स्टार का मतलब याद रखिएगा कि एलसीएम है, ठीक है, स्टार का मतलब एलसीएम है। तो पांच एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहाँ लास्ट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सेम प्रोसेस इधर भी आप पांच एलिमेंट लेंगे 1 2 3 4 और नेक्स्ट लास्ट क्या लेना, 5 लेना, ठीक है। अब देखिए इसका टेबल कैसे दिया हुआ, 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1, नेक्स्ट 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 3 का एलसीएम 3, 1 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 1 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5। एलसीएम अगर निकालने के लिए नहीं आता होगा तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी बता देंगे, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 2 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 2 4 का 4, 2 5 का कितना आ जाएगा, 10, नेक्स्ट 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का कितना आ जाएगा, 3, 3 4 का 12, नेक्स्ट 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 15, 4 1 का 4, 4 और 2 का 4, नेक्स्ट 4 और 3 का 12, 4 और 4 का 4, 5 और 4 का 20, ठीक है, नेक्स्ट 5 और 1 का 5, 5 और 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 और 5 का 5, ठीक है। तो ये था मेरा बाइनरी ऑपरेशन टेबल, जिसमें हमको सिंपली बोला गया है कि ये सेट, ये था जो वाई एक्सिस में देख रहे हैं, सिंपली जो कॉलम में देख रहे हैं वो सेट ए होता है, और जो रो में देख रहे हैं वो सेट क्या होता है, बी होता है। मतलब ऑर्डर पेयर 1 और 1 का एलसीएम 1 1 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। सिंपली एलसीएम का तरीका क्या होता है ना, कि अगर एक एलिमेंट्स इवन है दूसरा ऑड है तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जब सेम रहता है, जैसे इवन इवन है तो उसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं, कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है वो एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, ए स्टार बी जो है एलसीएम है और एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बोलता है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब ध्यान से देखिए बाइनरी ऑपरेशन का कंडीशन क्या था, डिफिनेशन अगर आप देखे होंगे तो डिफिनेशन क्या है कि ए क्रॉस ए जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो जब आप टेबल बना रहे हैं तो यही 5 एलिमेंट आना चाहिए, 5 एलिमेंट से बाहर नहीं आना चाहिए। तो आप साफ साफ देख रहे हैं किसी में 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, किसी में 12 आ रहा है, किसी में 10 आ रहा है। तो आप ऑपरेशन टेबल बनाए उसमें देख रहे हैं कि 5 एलिमेंट से और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट आ रहा है। इस केस में ये जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए दिखाने के लिए मेरे पास कोई भी एक दो यहां से टेबल का नंबर उठा लीजिए, जैसे आप 5 तक का एलिमेंट है, आप उठा लीजिए 2 और 3, ठीक है। लेट ए इक्वल टू ले लीजिए 2,
एंड b इक्वल टू कितना लेंगे 3, तो 2:3 मतलब एलसीएम ऑफ 2 और 3, ठीक है 2 और 3, तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, 2 और 3 का एलिमेंट कितना 6। ये सेट पे बिलोंग कर रहा है, सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा है, इस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सेम प्रोसेस आप और भी ले सकते हैं, जैसे 2 और 5 ले लीजिए, ए के जगह पे 2 ले लीजिए, इसी तरह से ए के जगह 2 ले लीजिए और बी के जगह क्या ले लीजिए 5 ले लीजिए, तो 2:5। इस केस में इसका एलसीएम क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब 10 भी देख रहे हैं ये सेट पे बिलोंग कर रहा है, सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ सेट के अंदर कितना एलिमेंट 5, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। आपका आंसर जो भी आना चाहिए वो 5 ही तक होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 आ रहा है तो ठीक है, 6 7 8 9 बस कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है उस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। और भी आप अगर एग्जांपल लेना चाहते ये ले सकते 4 और 3 ले सकते 4:3, तो आंसर क्या 12 आ रहा है, जो इस सेट के अंदर एलिमेंट नहीं। फिर 5:2 ले सकते 5:2 लेंगे तो इसका आंसर क्या 10 आ रहा है, वो भी सेट पे नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारा जो भी लेना है ले सकते, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n डिफाइंड बाय a * b इक्वल टू hcf ऑफ a एंड b। अब पहला क्वेश्चन बोलता है कि क्या स्टार जो है कम्यूटेटिव है, दूसरा बोलता है क्या ये एसोसिएटिव है, और तीसरा बोलता है क्या इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट जो है वो हमको नेचुरल नंबर गिवन है और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया हुआ वो मेरा क्या है HCF, ठीक है। तो पहला बोलते हैं क्या ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का कंडीशन क्या है कि a * b किसके बराबर होना चाहिए, b * a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेट हमको किसका गिवन है, नेचुरल नंबर का। कोई भी आप दो नंबर को ले लीजिए, मान लेते हैं लेते हैं a = लेते हैं 2 एंड b = मान लेते हैं लेते हैं 5 एंड b = क्या ले लीजिए 5। आप कोई भी एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलता है a 2 है b 5 है, तो निकालते हैं 2:5, तो 2:5 का मतलब क्या होगा HCF ऑफ 2 और 5। तो आप जानते हैं कि 2 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा। सिंपली LCM जब निकालते थे तो कॉमन एलिमेंट लिखते थे और साथ ही साथ जो रेस्ट होता था वो भी एलिमेंट को लिख देते थे और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन HCF में क्या होता है कि 2 और 5 का जब फैक्टर निकालिएगा तो उसमें से जो कॉमन एलिमेंट आता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो 2 और 5 में जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो मेरा क्या है 1 आएगा, ठीक है। सिंपली 2 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या लिखेगा 2 × 1 और 5 का क्या लिखेगा 5 × 1। इस केस में आप देखिएगा तो कॉमन एलिमेंट तो आपका 1 ही आ रहा है, HCF क्या हो जाएगा 1। तो आप देखें कि a * b निकाले तो आपका आंसर निकल गया, ठीक है। सेम प्रोसेस b * एंड 5:2 निकालते हैं, ठीक है। 5:2 क्या होगा HCF ऑफ 5 और 2, तो इस केस में भी देखिएगा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप देखें कि a * b जो है इसके बराबर है, b * a के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से आप भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप देखें कि a * b जो है b * a के इक्वल आ गया, मतलब ये क्या हो गया कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमको 3 कंडीशन, ये कंडीशन होना चाहिए a * b * c इक्वल टू a * b * c के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहां 3 नंबर हम ले लेते हैं, लेट a = 1, b = 2 एंड c = क्या ले लेते हैं 3, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है 1:2:3, ठीक है। पहले एलसीएफ निकालते हैं बाद में आगे चलते, तो 1 और 2 इसका एचसीएफ निकालना, इस केस में फिर से क्या आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है। 1 और 2 का एचसीएफ कितना है 1। फिर नेक्स्ट इसका बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ 3 के साथ, 1 और 3 का एचसीएफ फिर से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, उधर जाइएगा तो 1:2:3, तो ये तो 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पहले 2 और 3 का एचसीएफ निकालिए, 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा 1, और 1 1 का एचसीएफ तो 1 आएगा, मतलब आप देख रहे हैं कि a * b * c = a * b * c के इक्वल है, मतलब ये क्या होगा एसोसिएटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करना है क्या इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए क्या करना है आपको, आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि a * e = क्या होना चाहिए, a होना चाहिए और फिर क्या बोलता है e * a किसके बराबर होना चाहिए, a के इक्वल होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 लेते हैं, 1 का अगर आइडेंटिटी मान लेते हैं फिलहाल आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मान के चलते, ठीक है। तो 1 और 1 का एचसीएफ तो 1 आ गया। नेक्स्ट हम दूसरा नेचुरल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 2 और 1 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इस केस में मेरा फिर से क्या आएगा आंसर 1 आएगा। लेकिन ओरिजिनल में आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए
ये मेरा क्या है, इधर से जो इधर लिख रहे हैं वो मेरा ए है, ए मेरा चेंज हो रहा है, आइडेंटिटी चेंज है, आइडेंटिटी तो मेरा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो वन एचसीएफ वन किया तो आंसर वन आया, ठीक है। टू और वन का अगर एचसीएफ निकाले तो भी क्या आएगा, वन आएगा। अब थ्री और वन का भी निकालेंगे तो भी क्या आएगा, वन ही आएगा। लेकिन आना क्या चाहिए, देखिए एक अगर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाते ए एच सी एफ ई करते हैं तो उस केस में आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए था। मतलब दो और एक का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो मेरा दो आना चाहिए था, तीन और वन का एचसीएफ निकाले तो मेरा क्या आना चाहिए था, तीन आना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल में आप क्या आ वन आ, इस केस में आप लिख सकते हैं कि इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर एट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर नाइन दिया हुआ है, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर, या सेट जो है वो रेशनल नंबर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। मेरे पास चार पांच के क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो इसमें सिंपली चेक करना है कि कौन कौन सा कम्यूटेटिव होगा, कौन कौन सा एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में आपके पास छह क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है, छह पार्ट है इसका, सिंपली चेक करना है कि कौन कम्यूटेटिव होगा और कौन एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, उसके बाद रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बना देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिया ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो चेक करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, सेट दिया हुआ रेशनल नंबर। तो आप अपने से क्या कीजिए ना, दो नंबर ले लीजिए। कम्यूटेटिव का कंडीशन क्या बोलता है कि ए स्टार बी इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार, यही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये दिखने से ही लग रहा है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। मान लेते हैं हम दो नंबर ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं लेते वन बाई टू एंड बी इक्वल टू लेते हैं वन बाई थ्री, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ए स्टार बी हमको गिवन है ए माइनस बी, तो बी स्टार ए मेरा क्या होगा बी माइनस ए। तो जब आप इसका अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो जाहिर सी बात इसका आंसर क्या है, नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर आएगा। अगर हाँ प्लस में होता तो साइड सेम आ जाता, लेकिन माइनस में तो डिफरेंस आना ही आना है, ठीक है। तो ये इक्वल तो नहीं होगा, इतना तो पता है, दिखने से भी लग रहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो ए स्टार बी वन बाई टू स्टार वन बाई थ्री क्या होगा, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दोनों का एलसीएम मेरा कितना आएगा सिक्स, यहाँ हो जाएगा थ्री माइनस टू, रिजल्ट कितना आएगा वन बाई सिक्स, मतलब ए स्टार बी निकल गया वन बाई सिक्स। सेम प्रोसेस बी स्टार ए एंड वन बाई थ्री स्टार वन बाई टू कितना आएगा वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू, इसका एलसीएम भी निकालेंगे कितना आएगा सिक्स, ये हो जाएगा टू माइनस थ्री, रिजल्ट क्या आएगा माइनस वन बाई सिक्स। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव में आ रहा है कि क्या नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। मतलब ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के इक्वल नहीं है, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव का कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव में हमको तीन नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए तीन नंबर लेते हैं, ए मिल गया है b इक्वल टू ए वन बाई टू वन बाई थ्री एंड c इक्वल टू ले लेते हैं वन बाई फोर। आप कुछ भी ले सकते हैं, टू बाई थ्री टू बाई फाइव टू बाई सेवन, जो लेना है ले लीजिए, ठीक है। तो एसोसिएटिव का कंडीशन है a स्टार b स्टार c इक्वल टू क्या होना चाहिए a स्टार b स्टार c, ये होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, पहले निकालते हैं वन बाई टू स्टार वन बाई थ्री स्टार क्या होना चाहिए वन बाई फोर। तो अभी आप निकाल चुके वन बाई टू स्टार थ्री, इसका आंसर जो निकाले थे वो क्या आया था वन बाई सिक्स, फिर सेम कर लेते हैं वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री स्टार कितना होगा वन बाई फोर, और इसका आंसर टोटली सिंप्लीफाई करके कितना लेते हैं वन बाई सिक्स स्टार वन बाई फोर। अब फिर से ये मेरा ए हो गया और ये मेरा क्या हो गया बी हो गया, फिर से ए माइनस बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन बाई सिक्स माइनस वन बाई फोर, रिजल्ट कितना सिक्स और फोर का एलसीएम कितना आ जाएगा ट्वेल्व। आप यहां पर क्या लिख सकते हैं टू माइनस थ्री, रिजल्ट क्या आएगा माइनस वन बाई ट्वेल्व, ठीक है। सेम प्रोसेस आप क्या निकालिएगा ए स्टार बी स्टार सी, मतलब वन बाई टू स्टार वन बाई थ्री स्टार वन बाई फोर। तो इस केस में क्या होगा वन बाई टू स्टार तो रहेगा वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर कीजिएगा, तो वन बाई टू स्टार यहां पर कितना होगा थ्री और फोर का एलसीएम ये हो जाएगा ट्वेल्व, और यहां पर जो फोर का मतलब सिंपली कितना निकल जाएगा वन बाई ट्वेल्व, ठीक है। और वन बाई टू स्टार वन बाई ट्वेल्व का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा आपका वन बाई टू, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वन बाई टू माइनस वन बाई ट्वेल्व, ये हो जाएगा आपका ट्वेल्व, ये हो जाएगा सिक्स माइनस वन, तो फाइनली आंसर कितना निकल जाएगा बारह दो छह बारह एक, ठीक है। तो फाइव बाई ट्वेल्व, तो आप यहां भी देख सकते हैं एक का आंसर आ रहा है माइनस वन बाई ट्वेल्व, तो दूसरे का आंसर कितना आ रहा है
छह दुना बारह छाती है, ठीक है। एक का आंसर माइनस वन बाय बारह, तो दूसरे का आंसर कितना आ रहा है फाइव बाय ट्वेल्व, तो इस केस में ये एसोसिएटिव भी नहीं, ठीक है। सेम प्रोसेस आगे का क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।